नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। रामनगर में बुधवार को फायर विभाग के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही सतर्क रहने की अपील की। इस दौरान एफएसओ सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन और आपातकाल सेवा निवेदिता कुकरेती के आदेश पर पूरे उत्तराखंड में विभाग द्वारा स्कूलों और पेट्रोल पंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही आग लगने की घटनाओं से बचने की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आज ये कार्यक्रम लखनपुर स्थित पेट्रोल पंप पर किया गया, जिसके माध्यम से ऊंची मंजिल पर लगी आग के दौरान एक आदमी इस इमारत में बेहोश हो गया है, जिसको कंधे पर लाकर किसी तरह बचाने के साथ ही इस इमारत में लगी आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ये कार्यक्रम स्कूलों में भी किया जा रहा है। उन्होंने जनता से इसमें सहयोग करने की अपील की है। मॉक ड्रिल का कार्यक्रम हुआ, क्या है इसका मकसद? सर, ये हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तराखंड देहरादून के आदेश हैं कि हर जगह जनता को जागरूक करो, जिससे कि जनता में आत्मरक्षा बढ़ सके। और जैसे हमने अभी दिया, ये इसमें क्या करा कि ऊपर से कैजुअल्टी उतारने की वजह से जो उतारते हैं वो फंसा हुआ आदमी है, फंसे हुए आदमी को कैसे उतारते हैं नीचे। और दूसरे जो कंधे पर लाए हैं, वो कंधे पर इसलिए कि अंदर वो बेहोश हो गया, इस वजह से उसे कंधे पर लाए हैं। और कल हमने वहाँ दिया था मदर सिगलोरी में, वहाँ भी ये चीज़ दिखाई थी। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।